चाचा यार, जिंदगी बोझ सी लग रही है मुझे। कुछ दिन से ऐसा लग रहा कि खालिद को जो कामयाबी मिलनी चाहिए थी वो कामयाबी मिल नहीं पाई। कहा कामयाबी चाह रहा हो तू? चाचा, मैं उम्र की उस दहलीज पे खड़ा हूँ। जब मैं इस उम्र की दहलीज से पलट के पीछे की तरफ देखता हूँ तो मुझे लगता है खालिद यार, तू तो बहुत बेकार इंसान है। तूने सारी जिंदगी किसमें गुजारी? चुगलियां करने में, इधर की उधर लगाने में, बेईमानी करने में, झूठ बोलने में। चाचा, अब जो मेरा मन भर गया इन चीजों से, अब मैं चाह रहा हूँ आगे की जिंदगी जो जीऊं, सच्चाई के संग लोगों का भला करते हुए जीऊं। खालिद यार, तेने तो मेरे मन की बात छीन ली कतई। मैं भी जो कई दिन तक न्यू सोच रहा हूँ कि सोमलाल तेने कभी काई को भलो करो या ना, पर बहुत देर सोच के मैंने पाया कि सोमलाल तेन तो काई को कुछ भलो करो ही ना। तू तो पूरी जिंदगी अपने ही भले में रहे, अपने ही स्वार्थ सोचता रहे तू तो। चाचा, इस मोबाया के चक्कर से बाहर ही कल आओ। मैं और तुम आज से रबीस है, ये कसम खाएंगे कि आज के बाद जिंदगी में हम जो भी करेंगे दूसरों की भलाई के लिए करेंगे। आज के बाद किसी के संग ना बेईमानी करनी, ना छल कपट करना, जो करना दूसरे की खुशी के लिए करना। समझ रहे हो चाचा बात को ना? आप क्यों रात जा बाबा जी, खेत का सब लोग काम निपटाया आया हूँ मैं। अब दो दिन पीछे बस पानी करना। शाबाश मेरे बेटे, शाबाश। यू काम तो तन बढ़िया कर दिया, अब एक काम और कर। मैं ढोर प्यासे मर रहे हूँ, पानी और जाकर प्या दे। अरे कैसा घूर रहा, कहाँ है? जैसा कि बाबा जी, मैं सुबेरी सु खेत पे लग रहा हूँ। एक बार मौसू पूछ सके तुम बेटा, तू भूखा तो ना, पानी तो ना पिया, प्यास होता ना? पर तो मैं तो इन ढोरन की लगी रहे मौसू, ज्यादा प्यार तो मिल भैसन सु करो। सुबेरी तो चाय पापे थोड़ी देख आया मैं खेत पे, जीभ चला रहा हूँ ज्यादा ही। तेन तो मुँह फाड़ दियो तो बाबा, मुँह भूख लग रही है। ये ढोर भी कहवे कही थे, भूखे बैठे रहे पूरे दिन। पानी पिया दे जाके झेड़ पेड़। मैं पिला दे भैया, पिला दे। मैं दुआ देंगी तुझे भैंस, मैं ब्याह हो जाएगा बिकूप तेरा। ठीक है चाचा, प्यारा हूँ, पर बाबा सु कह दो मैं सांझ को भैसन का न्यार नौ करने को, अपने आप देख लेंगे कैसा होएगा। हाँ, सांझ की सांझ को देखी जाएगी। जा जल्दी झेड़ पर प्या दे। कितना कर लो इनको तो। शाम तक का एग्रीमेंट करवा रहा हूँ, देख ले। आजकल के बच्चों का चाचा कोई ठिकाना ना, कुछ भी कहते। ना यार, बात सही कह रहा हूँ, है तो खैर ऐसा ही, पर भैया हमारे में अभी इतना तो धरबर है, भरोसा इतना हम यहाँ पे। अगर मैं 50 आदमी में यहाँ पे चौटे चला दूँ तो उल्टा बोले ना, चुप बैठ के पिटता रहेगा, फालतू नहीं बोलेगा कतई भी। अन्नी आजकल के बालक देखे, कुछ भी कह दो वाको बड़ो बूढ़ो या माँ बाप, तनक में ही उल्टे बोल जाएंगे, मुँह फुला के बैठ जाएंगे। अब वे जमाने रहे ना भैया, अब कहने लायक है ही ना कोई बड़ा बूढ़ा। ना चाचा, ये बात बिल्कुल वाजिब है आपकी, इस बात की तो तारीफ है इस लौंडिया की। ये तो मैं पीठ पीछे भी कहता हूँ कि चाचा श्यामलाल का पौधा बहुत बढ़िया, पर चाचा उस मसले पाओ जो जरा देर पहले मैं और तुम बात कर रहे। अब खालिद को और चाचा श्यामलाल को समाज के अंदर मोहब्बत और अमन फैलाना। अमन? भारो अमन तो भैया भगवान की कृपा है, खूब फैल रहा। तन देखो ना, पहले ऐसा कतई पेंसिल की तरह, अब तो फिर भी ठीक हो रहा। यो, यो, यो। चाचा, तुम्हारा पोता अमन ना, इसके लिए ना कह रहा मैं, मेरा कहने का मतलब है अमन चैन फैलाना। अच्छा, सुख शांति? हाँ चाचा, सुख शांति। हाँ तो पता कहाँ करना? चाचा देखो, अब से पहले जो हमने हराम पंतियां करी है उन्हें को तो भूल जाओ, लेकिन अब से आगे की जिंदगी में हम किसी का नुकसान ना करेंगे। ना तो चाचा किसी की इधर की उधर करनी है, ना चाचा किसी से हमें झगड़ा करना, और ना चाचा किसी का झगड़ा करवाना। अगर किसी का झगड़ा बन भी रहा ना, प्यार और मोहब्बत से खत्म करवा देना।
चाचा आज तुम मेरे संग इस बात की कसम खाओ, आगे की जिंदगी में हम ऐसा कुछ ना करेंगे जिसका हमें इतराज रहे कि यार तुमने गलत करा, दिल गवाही ना देवे, अच्छा काम करेंगे, अच्छी जिंदगी जिएंगे, ना ना कसम खाओ। भाई देख यार सोमलाल है, आज तक खुद सोमलाल तो बदल नहीं पायो, पर तू कह रहो तो चल बता। चाचा सामलाल भैया खालिद, मैं तो मुझे बताओ यार गांव में कोई मोच जंदेगा ना जंदे में क्या होगा भैया सेवाराम? भैया खालिद या सेवाराम को जीना हराम कर रखा है यार गांव ने। अरे पहली बुझा तो रहे को बात है जो बतावे। चाचा बिरजू पहलवान ने मेरा सारे खेत पे कब्जा कर रखा है, मेरी सारी जवान काट ली वाने। अरे बिरजू बीजू भैया की पहलवानी निकालनी पड़ेगी। चाचा कहाँ का पहलवान है, नाम रखाने से कोई पहलवान बन जाता हो? आप ये लगा लीजिए गिंडार का नाम पहलवान डाल दिया। कुछ ना भैया सेवाराम, इसमें नाम का पहलवान है। सेवाराम तू दिक्कत मत ले, हम तेरी कहल है, तू खेत पे पहुंच, हम भी पीछे ते आ रहे हैं, हमारे आते ना हाथ छोड़ दीजो, हम वही खड़े रहेंगे। ठीक है चाचा मैं चल रहा हूँ खेत में, जल्दी आइए। पर चाचा बताओ भाई खालिद अब कैसे करनी है? चाचा सेवाराम ने अपनी परचूने की दुकान से 2 नंबर का रुपा बहुत छापा, गरीबों को सताता, चाचा बढ़िया इंसान थोड़ी है, मैंने कई दफा उधार कर दिया जैसे इसकी दुकान पे, तो रुपए फालतू लिख देता चाचा, इतना हराम है ये। हम ही का यहाँ बकस दिए, हमारी गैल भी ऐसी करिए, खूब पैसा बढ़ाए हम पे भी, पर भैया रे जो कोई गरीब है सताएगा ना वाह गैल ऐसी होगी, उन्हें नहीं भर रहा उन कर मन नहीं भर रहा अभी। तो चाचा मसलन मसला मैं ये कहना चाहता हूँ, अभी हम दोनों जो कसम खाने वाले थे सुधरने की, इस कसम को 2-4 दिनों के लिए अभी रहन दो, पहले इस मसले को नहीं बटवा देते हैं ना। मेरे जी की बात छीन ली तेरे फिर के। चाचा क्या करे, दिल तो बच्चा है जी, मानता ही ना। चलो चाचा देख इस मसले को आ जाओ। ये हराम कैसे माल है, भगवान सब देख रहा हूँ, आ रहे मेरी मदद को भी, जब देखूंगा कितना बड़ा पहलवान बनाया तो। अरे बुला ले तो भी देख लूंगा, तेरे हिमाई तीन ने भी ले आ लिए, हम देखूंगा तो कितना बड़ा पहलवान है तो। ए भाई सेवाराम ऐसे बैठो तू, ऐसे बैठने से का कब्जे छुटाए जावे। ए चाचा तुम कहे हो ना यहाँ मेरे सारे जवान काटने। सेवाराम जी ऐसा ना होता, अपने हक के लिए अपने आप लड़ना पड़ता भैया। ए भैया यहाँ से लड़ा जा रहा हूँ, ये तो पहलवान है, ये तो मार देगा बहुत नंगी। अरे ढोर तू भी जो ना पागल ही रहेगा कतई, अरे ये इतना बड़ा पहलवान होता ना तो ओलंपिक में लड़ रहा होता, सूखी हवा सूखी या में ना कुछ भी कहने को पहलवान ही बस। अगर तेने एक ढंको से घुसा एक कमर में मार दिया ना तो हो सके खेत में बेहोश हो जावे। ए जानजा कैसी बात कर रहे हो, देख रहे हो कितना मोटा मेल दया को। सेवाराम जी यार तुम भी बहुत भोले इंसान हो, पेट का इसका खापी का हो रहा, गैस भर रही है पेट में, सही से साफ ना होता पेट इसका, अगर तुमने घुसा इसके पेट में मार दिया ना सारी गैस निकल जाएगी, इतना सा पेट रह जाएगा इतना सा। हमने यार तू आगे बढ़ और अपनी बात धर, अगर ये ना माने ना तो खाली तेरी ओर को आंख मार देगा और उठ जाइयो तुरंत। बस सेवाराम जी तुम्हें एक बात का ध्यान रखना, जैसा चाचा ने बताया ना, पहला पिरहार इसकी कमर पे करो और दूसरा तो पेट में मिला के ना। ठीक है भैया, कुछ बात बिगड़े ना तो संभाल लीजो। ना ना घबरा मत ना तू, खड़े रहेंगे हम। मैं ठीक है, चलो तो चलो आ जाओ। आ जाओ चाचा खाली आओ।
बेईमान मैं हूँ तू। चाचा श्यामलाल यहाँ की दुकान पे सामान लावे हम, अगर एक महीने में पैसे ना पहुँचे ना, 10 रुपए का सामान है तो 1 जीरो बढ़ा के 100 कर दे। मैंने खेत पे थोड़ा सा कब्जा क्या कर लिया, पूरा गांव इकट्ठा कर दिया याने। अरे तो मेरे यार कैसे आफत आ गई, 1 जीरो ही तो बढ़ाई है, ऐसे तो हमारी गैल भी कर दे कदी कदाक। अब इन छोटी छोटी बातन पे खेतन पे कब्जे करे जावे। चाचा श्यामलाल तुम पे तो हराम का पैसा, हम पे हराम का पैसा ना उड़ाने को। होश में बोलना होश में, या श्यामलाल के कदे देख कर ताकत का अंदाजा मत लगाइयो। तो जैसे कितने तुर्रम खो भगा भगा के मारे मैंने अपनी जुवानी में। बे यार जरा बहुत गैरत रख ले, जरा तमीज ना, तुझे बोलने की नाम पहलवान रख लिया तो खुद को पहलवान मानना। बे पहलवान बनने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, रोजाना पसीना निकालना पड़ता शरीर से। अब तू न्यू बता यहाँ से जा रहा हो या ना। चाचा श्यामलाल जहाँ एक बार कदम रख दू ना, वहां से कदम हटाता ना हूँ मैं। अंगद हो रहा कत है अंगद। सेवा राम दिंगे को तक। क्यों रे बहुत बेरहमी से मार रहा चाचा ये तो। तो अभी देखूंगा तेरी भैया खाने देखेंगे। बचा लो भैया छोड़ दो मारे क्या गरीब है भैया इसको। आइयो चाचा आ जाओ यार। कैसे मारे को यार कैसे। अरे ओए तू जो कह रहा था पहलवान बनने को पसीना बहाना पड़े, डेली आधी किलो पसीना बहाऊं मैं। भैया फिर तो हमारी गलत फहमी रही, चाचा श्यामलाल ने घपलत में डाला मुझे तो। चाचा कह रहे नाम का पहलवान है, अंदर से तो खोखला बिल्कुल, सूखी हवा बनाता। मैं तो चाचा के बहम में रहेगा, अगर आप इतनी मेहनत कर रहे हो पसीना निकाल रहे हो शरीर का, मेहनत करके बॉडी बना रहे हो, तो पहलवान साहब आपका इनो मानना वाजिब था। देखो ताकत है आपके अंदर, आप तो मारोगे भाई साहब, लेकिन यार इतना तो रहम करो, गरीब परिवार से आता सेवाराम, दुकान सही नहीं चल रही अगले की, बच्चे परेशान हो रहे होंगे, अब ले जान दे इसको। ले जाओ ले जाओ। चलो सेवाराम जी चलो। सेवाराम जी सबसे पहले तो आपको घबराना नहीं है जरा भी, कुछ ना करना हमें, करना क्या है चाचा, ये 500 ग्राम पसीना बह रहा है ना, हमें कोई ऐसा इंसान तलाश ना जो एक दिन में 1 किलो पसीना बह रहा हो, वो इसको अपने आप सुधार लेगा। अरे भैया कमर मेरी टूट गई, अब डॉक्टर को खर्चा और हो जाएगा हमें। दिक्कत मत करो ले सेवाराम, शेर को सवा शेर जरूर मिले। आई तोड़ो ये जीत लग गई क्यों रे। हीरे तू तो चाल पड़ी बैठ के निडोले में, रांझा तो लूट लिया तेने दिन ढोले में। एरी तेन कर दियो मेरे गणित का काम। कर ले अपने आप, मुंह पे मेरा ही ना हुआ अभी। घनी तेज मत बन के दिखावे, जब तो मुंह पे अपने सारे बासन मंजवा लिए, अब होशियार हो रही है घनी। जब मोर टाइम मिलेगा मैं कर दूंगी, अभी मेरे थोड़ा टाइम ना। ऐसा फिर तो टाइम मिलेगा ही ना, अपने आप कर लेता फिर। अरे करता लेता मैं अपने आप पर, त्रिकोणमिति मेरी समझ में ना आती, कॉस थीटा साइन थीटा या को थीटा वा को थीटा, पता ना किस किस को थीटा। अच्छा चल अम्मो तू यू बता, अब तो मैं कर दूंगी तेरे काम है, जब तू पेपर देने जाएगा जब कौन करेगा। अरे पेपर में तो चल फेल हो जाऊंगा कोई दिक्कत ना, बाबा एक ही दिन तो मारेंगे जब फेल हो जाऊंगा, अब स्कूल में जब मैं रोज जाऊँ रोज होमवर्क ना हो तो रोज मारे मास्टर, वह दिन तो फेल होकर बाबा एक ही दिन तोड़ लें जितना तोड़े हैं। क्या होगा कैसे रोड़ा मचा रखा, क्यों लड़ रहे हो।
माँ जी अपना होमवर्क मोस्ट करवाने कह रहा हूँ। क्यों रे तू क्यों कर रहा अपने होमवर्क के जो यहाँ पे करवा रहा? माँ जी तुम्हें पता तो सब लिए मेरे गणित में हाथ तंग ना, मेरी समझ में ना आता गणित, और मैं कोई फ्री में थोड़ी करवा रहा हूँ माँ जी। मैंने को सब लोग काम करो, बासन मांजो सीखे रहो। फिर भी बेटा यहाँ के करे तो काम कैसे चल जाएगा? अब तुम न्यू बता, अगर भूख तो लगे और मैं रोटी यहाँ दे दूँ तो पेट किसका भरेगा? न्यू बता। ऐसे तो माँ जी यहाँ कोई पेट भरेगा? बता अब यहाँ के करे तो काम कैसे चल जाएगा बेटा? तो अपना काम अपने आप करना पड़ेगा। मैं समझ गया थारी बात है माँ जी, पर देखियो आज तो करवा दो। आज तो मैंने को सब लोग काम कर दियो, और जो यार मेरा आज को काम ना करो तो मौत ही तोने देगी। देख तो पिछसी करवाए बासन मंजवाए, और दो बेर तो माँ जी मैंने पानी ला के दियो। आज आज देखियो आज आज प्लीज माँ जी आज आज करवा दो, मेरा घट्टा भर जाएगा। तो दिख ना रही अपना काम कर रही है पढ़ रही है, अब तू जाएगा पूरे गांव में ढोलेगा या इस बढ़िया तो एक गैल बैठ के पढ़ ले। माँ जी मैंने जो ना जी माँ जी यहाँ को एक फोटो बनायो। अच्छा निगुता तू पूरा कलाकार है, दिखाइया। रुक जाओ अभी दिखा रहा हूँ। देखो माँ जी दिखाइयो भाई मुंह दिखाइयो। क्यों ए उत्ते हो लड़ते ही रहे करो हरदम? क्यों ये बड़ा दिमाग खराब कर रखा? मैं बनाऊंगी कल तेरी ऐसी ड्राइंग। क्यों रुक जा तू अभी। देख रहा हूँ मैं जब भी सूखी चाय पी रहा हूँ ना जलन कर रही है, सूखी चाय जो पेट में गैस बना रही है मेरे, तो बड़ी परेशानी हो रही है। भाभी जी अगर बिस्किट और दाल सेव मिल जाते तो मजा सा आ जाता ना जाता। बिस्कुट और नमकीन तो खत्म हो रहे खालिद जी। सेठानी जी ये तो वही वाली बात हो गई, बगल में छोरा और गांव में ढिंढोरा है। तुम्हारे घर में अपनी दुकान हैगी? दुकान में सही खाल लो, एक एक पैकेट बिस्किट का, एक एक पैकेट दाल सेव का, मेरे लिए ले दो, चाचा के लिए ले दो। क्यों रे कहां देखे सेवारम कहे जो देवे इशारा कर दे लिया आएगी तेरी जेल खड़े तो हम। अरे लाना इन्हें नहीं, ये जॉन कोई फिरे रहेंगे, ये तंग करते रहेंगे। लो चाचा चाय तो लो, इतने एक आध घूट तो लो। ले तू भी ले। सेवाराम जी लेते क्यों ना, चाय में भी हल्दी डाल कर दिया सेठानी जी ने, कमर में आराम मिलेगा तुम्हारी में। खालिद अभी इतने सेवाराम जी की परेशानी दूर ना हो जाएगी ना, सेवाराम जी की गैल रहना। चाचा कहने वाली बात है, संग खड़े सेवाराम जी के यार। और मैं तो कह रहा हूँ माशाल्लाह, तुम चिंता मत करो, इस समस्या का समाधान निकलने वाला हैगा मेरे दिमाग में समाधान। एक घूट डाल लो यार चाय, इतना बिस्किट है इतना ले लो ना। क्यों तीन चार घूट तो चाय ही निपट गया, निपटाओ निपटाओ निपटाओ। सेवाराम पिए जो मीठा बढ़िया गेरो सेठानी जी, तुम एकदम मजा। चाचा मैं जरा एक जरूरी फोन कर आऊं, तुम सेवाराम जी के संग में इस मीटिंग की वार्तालाप को आगे बढ़ाओ, है ना? अभी आ रहा हूं। ए
जा अब बताओ कैसे करूं, केस कर दूंगा मैं? केस तो बेटा वो भी कर सके जो तू 10 रुपया न वाके न 100 रुपया लिख देवे। यो, 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 यो। ए चाचा मेरे उधार के पैसा तो देवे ना। तो तू उधार बात देवे क्यों है? उधार देने से मना कर देवा, पर ऐसे बेईमानी तो पैसा बढ़ाना पाप है। मैं आदमी खालिद बोल रहा हूँ, मैं तुझे अभी 5-7 मिनट पीछे फोन करूंगा और तुझसे पूछूंगा, भैया तू एक दिन में कितना पसीना बहाता मेहनत करके, तो तुझे मुझसे ये कहना कि मैं 1 लीटर पसीना बहाता हूँ। मैं जाहिल ज्यादा दिमाग मत लगा, तेरी झाड़ी बनवाऊंगा, 500 रुपए में डील फिक्स करूंगा, 3 जगह पैसे बटेंगे, चाचा श्यामलाल के पास जाएंगे, तेरे पास और मेरे पास। अब मेरी बात कलम है तो ठीक कर दे, चाहते मेरे पैसा बढ़ाए। जरूरी फोन है, जरा घर पे करा। अब सेवा राम जी ने कुछ रहा तो बता कैसे करनी है। इसमें चाचा मसलन मसला वही है, पहलवान 500 ग्राम पसीना बहाता मेहनत करके, हमें कोई ऐसा इंसान देखना जो उससे ज्यादा मेहनत करता हो, वो 500 ग्राम पसीना बहा रहा, कोई 1 लीटर पसीना बहाता हो, ऐसा इंसान कारगर है। तो फिर ढूंढे जो ऐसा आदमी। अरे चाचा आदमी से याद आया, एक दफा आदमी कोई तो पूछ लेता हूँ मैं। हाँ पूछ 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 पूछ। ए दे मे ई आदमी, लगा लगा फोन तो लगा, उठा दो स्पीकर पे डालूंगा। हाँ अब लगा। हेलो आदमी, क्या हाल है भैया तेरे? हाँ खालिद मैं ठीक हूँ, तू सुना? मैं बढ़िया भैया, मैं ये पूछ रहा आदमी, जैसे तू मेहनत कर रहा बराबर, तो भैया एक दिन में कितना पसीना बहा देता? खालिद मैं एक दिन में जो मेहनत करूँ ना, हाँ 1 लीटर पसीना बहा दूंगा रोज। बाप बहुत बढ़िया भाई, 1 लीटर बहुत बढ़िया। मैं ये कह रहा आदमी, तुझे सेवा राम जी की खिदमत में उनका एक छोटा सा काम करना। काम ये है, एक बहुत ही कमजोर इंसान पहलवान नाम का तुझे मारना, और तू ये मत समझे सेवा राम जी तुझसे फ्री में ये काम कराएंगे, भैया पैसे देंगे तुझे, वो भी 500 रुपए। ठीक है खालिद, मैं पता कद आना फिर। मैं वो अभी सलाम सबरा कर ले, मीटिंग चल रही है हमारी, तुझे अभी इंतला कर दूंगा जरा देर में, है ना? ठीक है खालिद, बता दीजो। ठीक है भाई, इतना कर मेहनत, पसीना ही काल तू है। ठीक है ठीक है भाई, सेवा राम कल को पहलवान निमटा देंगे। उधर ठीक है चाचा, पर 500 रुपए बहुत ज्यादा है। अरे तो मेरे यहाँ टैक्स वैक्स काट लीजो, TDS लगा लीजो, मार्क टाइम में तो बल्कि ज्यादा लगे TDS। चलो ठीक है तो, ठीक है चाचा। बता भाई बता खाली, तब कद को धरना प्रोग्राम, कद चलना हो चुके। देखो चाचा मेरे से तुम कहते हो अब चले चलो, मैं तो आदमी को अब बुला दूंगा, पर मैं तो ये कहूंगा जैसे सेठानी जी, इनका आज ही मत दुदावा पहलवान ने, कौनिया बजाएंगे बहुत मारा, तो आज ही ना आराम कर दो, कल चले चलेंगे, दहशत में सेवा राम जी, आज सही ना चाचा। आराम कर भाई, तू इतने आराम कर, कल चलेंगे, चल भाई चल खा ले। सेठानी जी जरा दूध में हल्दी वल्दी डाल दियो, है ना, आराम मिलेगा। हेलो देख रहे हो, ये मक्कार अपनी नहीं मान लो, अपनी जीवन काटे जा रहा हो। अरे घबरा मत ना आदमी, आ गो अभी आ निमटाई देगो, कतई राड काटते है क्या? सेवा राम जी आप मेरे कहने से ललकारो इसको, है ना, भरा हुंकार। अरे पहलवान आज तेरा टाइम खराब कर देंगे बेटा, तू 500 ग्राम पसीना बहावे, हमारा आदमी 1 लीटर बहावे पूरा। आजा आजा बेटे, तू भी आजा यकी गैल में, मैं तो बैठा हूँ इंतजार में। देख रहे हो चाचा, रस्सी जल गई पर बल लगा इसका। रस्सी कौन जल गया क्या अभी? रस्सी तो मैं जलाऊंगा अब। आदमी दोस्त आज उधर दे, चल चल चल। अरे अरे सेवा राम जी मेरी गलती रहेगी, पहले इसकी पेमेंट करो जब आगे चलेगा ये।
स्वागत तो करो हमारा। ये क्या दे रहे यार सेवा रानी, तो 300 रुपये बस, 500 की बात हुई थी। अरे कोई बात ना, कोई बात ना, टैक्स पैक्स लगते करे कौम, धर नहीं धर ले। चल बे चल आदमी, भैया आज देख ले मेरा और चाचा श्यामलाल का सम्मान तेरे ऊपर है, अपने 1 लीटर पसीने का कर्ज अदा कर दे, बक्कल उतार दे, पहलवान की पहलवान निकाल जा। हाँ भाई, कौन पहलवान है? पहलवान हूँ, पहलवान लड़ी मैंने। कहाँ लड़ी पहलवानी है? लड़ी आजा, तेरी पहलवान देखूंगा। तो यही खड़ा हूँ, यही खड़ा हूँ मैं, क्या लग जाएगा तेरा हाथ में टूट जाएगा, आजा चल लड़ेगा, चल चल। अच्छा, ये तो जुते हुए खेत में कुछ आ रहे। अरे आदमी पहलवान है, वैसे ही थोड़ी है, वह पता हो यहाँ नौ लड़ना चाहिए डड़े पड़े में सेवा राम तो हूँ सब जागो थी। आजा आजा देखेंगे नर माहौल क्या चल रहा। असली कुश्ती तो अब देखने को मिलेगी। चलो बन है, रुक जा आदमी, कैसे दूसरे गांव में जाएगा, देख ले जाहिल को। चाचा आदमी तो खूनी बैल की तरह घुर रहा रहा, मुझे लग रहा पहलवान को लिटा देगा, 1 मिनट में निपटा देगा भैया। अजी 1 मिनट तो बहुत दूर की बात है, 20 सेकंड लगाएगा बस। ना आदमी का शरीर ना देखो, पेट देखो ना भाई साहब, पेट का साइज देखे सेवाराम जी, पहलवान जैसे का तो 4 पेट का लिया, इतना बड़ा ले रहा आदमी। भिड़के भिड़के भिड़गा भैया, हौले हौले आगे को बढ़ते रहो ना। चाचा तो आदमी दबा लिया यार, आदमी घेर लिया ही तो। आदमी भैया यार इज्जत रख ले, पैसों की मांग तो रख ले जरा। बोल पहलवान आदमी 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 मेरे भाई, मेरा बच्चा तो उसकी सूरत तो देख लो चाचा, देखे कहा घर को चले चले यार, उठो यहाँ से आराम जी यार। आदमी राक्षस तुझे अच्छा, हमने पहलवान के लिए लीज पे लिया, तुझे तो खुश निकालना भारी होगा। चाचा मुझे लग रहा है ऐसा न जाने का, इसके लिए तो जेसीबी मंगवाओ। सेवाराम जी जब इतना खर्चा करा 500-700 रुपये और सही, जेसीबी से मंगा कर इसको जो उठवाओ ना से भैया। भैया मंगा लो तो मंगा लो यार, भाई में ले जलेंगे और कहीं ले जाए यार राक्षस। चाचा एक बात समझ में नहीं आई मेरी, में आदमी 1 किलो पसीना बाहर आए एक दिन में, और ये पहलवान फर्जी पहलवान, ये 500 ग्राम पानी बाहर आ पसीना, फिर भी आदमी पिट कैसे गा? एक दफा सीधा करो इसको, पेट भी तो इतना बड़ा ले रहा, पता तो लगे मसला क्या हो। दबाई चाचा एक बार दबाओ ताकत से, मेरा शक सही खिला, गैस है पेट में, सारी गैस ही कर लिया पेट, जो वैसे इसका साफ ना हो पा रहा, गैस है। जाना मेरा 300 रुपये दिलवाओ, मैं सो 300 रुपये दिलवाओ, सेवाराम जी दिमाग चल गया दीख है, अभी तो 300 रुपये तुम्हें इसकी मल्लम पट्टी में ना लगाने, होश में ना आ रहा है, इसकी घरवाली ने कर दी ना रिपोर्ट है भाई यार पुलिस में, पकड़े और जाओगे हमें फंसवाओगे, ऐसे बुरे टाइम में भी 300 रुपये याद आ रहे हैं तुम्हें, इंसान की जान की कीमत नहीं है जरा भी, सेल्फिश सेवाराम। शर्मली हाथ करे करे थोड़ी बहुत सेवाराम हरो, मैं तो न्यू सोच रहा हूँ आदमी की काबिलियत देख के वह 300-400 रुपया की टिप देगा,
जैसा हूँ तेरे मारे भगव चलाओ आया इतने खूंखार आदमी से लड़ने को। 300 रुपया ने पिछले ने और मंगल लगो के ली, अब चुपचाप जेसीबी मंगा ले। जेसीबी ए चाचा मेरा भी जान ना जेसीबी को कुछ और जुगाड़ देखू मैं तो यहाँ ले जाने को। राम जी कुछ भी जुगाड़ करो जल्दी कर लो, दिन छिपने को आ रहा है यार, हमारा तो नुकसान और जाते घर में लड़ाई करेगी। आदमी घबरा मत जरा भी, अब पाते भैया ऐसा मारा बुरी तरह। चाचा मेरे कहने से इसके पेट को दबाओ, सेवाराम जी इसकी गैस निकल लो पेट को। अरे तुम पागल है, अब डॉक्टर से कह देंगे अपना आप निकाल लेंगे। पता लगता मुझे सिलेंडरों को ही ना सही भरता आदमी अपने घर पे, सिलेंडर का बिजनेस कर रहा है ना बहुत दिन से। सेवाराम जी घबराने रहा तू, मैं जरा भी तुम्हारे संग खड़े अब बिना चाचा। हाँ ठीक है भैया खा ले, ठीक है चाय पियेंगे तुम्हारे ना बैठ कर भाई, सलाम सबरा करना, अगला स्टेप क्या होना, अगला कदम क्या उठाना, चाय बनवाइयो तुम बेहतरीन वाली इलायची और अदरक डाल का। ए जांजा कुछ तो बोलो, मेरा दिल बैठो जा रहा हूँ। खालिद कुछ बोल दीजो या को दिल ना बैठने को। जाहिले मस्ती मुकुम्मल जिस बहारे हिजरा, तुम्हारा दिल है या बेचारा हमारा दिल है। ए चाचा यहाँ बात को कहा मतलब है टाइम, मेरे तो समझ में कतई भी ना आए हो। तू ही तो कह रहा हो कुछ बोलो, जो बाकी समझ में आई वन कह दी। ए चाचा मैं तो अपने खेत को कह रहा हूँ, जब मैं पहलवान ने कमजोर कर रखा वहां कैसे छुड़वाओगे अब। बता भाई खालिद कैस करनी आगे अब। चाचा क्या ड्रामा चल रहा है, बात बात तो बता बे खालिद, कर बे खालिद, बोल बे खालिद, पागल बैठा ना खालिद बोलने और करने कर लियो। सुबह से भूखा किसी ने पूछा कुछ खाएगा ना, सेठानी जी ने बात चाय न दिए लाखा मुझे, भूखे पेट बोल खालिद, कह खालिद, क्या बोले खालिद भूखे पेट, पहले कुछ पेट में जाएगा जब बोलेगा खालिद। सेठानी जी तन चाय लिया, दिमाग ठप्प पड़ो कतई, जब कुछ गिर जाएगा ना पेट में जब ही काम करेगा ले आइए। दाल छो बिस्कुट और अरे नमकीन बिस्कुट भी ले आइए तन, एक एक पैकेट, एक या को एक बुक। भाई खालिद यहाँ में हमारी बदनामी बता, पहला सेवाराम पिटो हमारे ग्रुप का आदमी, फिर आदमी पिटो वो भी हमारे ग्रुप का आदमी, हम ही पिटते रहेंगे, कोई ऐसा आदमी ढूंढ जो आप पहलवान की देही ढूंढ देवे। चाचा आप चिंता मत करो, तुम्हें पता ना खालिद की, यकीन ना तुम्हें खालिद पे, अब की दफा ऐसा इंतजाम करा मसल कर रख देगा उस हवाबाज पहलवान को। बस तुम चाय नमकीन दाल से उबान दो, मतलब बिस्किट दाल से उबान दो, फिर देखो तुम खालिद का जलवा जलवा दिखलाऊंगा नहीं जलवे। चाय तो लाना रही है ये। अरे तो चाय बनने को धरी होएगी ना गैस पे, इतने इतने खाएंगे। वो दूध बिल्ली झूठा कर गई, अब तुम नमकीन और बिस्कुट से काम चला लो। अरे तो हमें नहीं ला देती चाय बनाए के वह झूठे दूध की, मत बताती के बिल्ली झूठी कर गई ना। ले मेरे ने भी धर बाद में ले लूंगा मैं। वैसे चाचा परेशानी इसमें भी कोई ना, चाय ना मिली, सेवाराम जी आप मुझे और चाचा को 10-10 रुपए दे दियो, हम बाहर दुकान पर चाय पी लेंगे। बावला था ना तू, 10-10 में चाय आ रही है, पैसा बढ़ा दिए मैंने चाय के, 20-20 की आएगी चाय। अरे हाँ हाँ वो स्पेशल वाली, हाँ 20 की रहती है, 20-20 रुपए दे दियो हम बाहर पी लेंगे। बाकी सेवाराम जी तुम्हें परेशान होना ना, तुम्हारा ऐसा इंतजाम कर दिया आपकी दफा, तुम्हारे उस पहलवान को ऐसा मसल देगा जिसको आपकी दफा ला रहा हूं मैं। चाचा जल जला जल जला, जहां से निकल जाता है ना ये लगा लो भीड़ ऐसा अलहदा हो जाती है, ना से निकलना तो भीड़ ऐसे अलहदा हो जाएगी, वो शेर आ रहा आपकी दफा।
तेरा जल जला है कहाँ? चाचा जल जला रहा बस, तुम्हें लग ना रहा जैसा कोई तूफान तुम्हारी तरफ बढ़ रहा ना सेठानी जी? देखा जल जला लिया। होले होले अब धरती भी कांप रही है तेरी पैरों की पजेब से। पजेब होता कुछ और, तेरे पैरों की गड़गड़ाहट से। कहाँ तक लेके आए हो यार? ऐसा कमजोर जान नहीं हो है? हरवीर पहलवान है इसका नाम, अपने टाइम का मशहूर पहलवान रहा है। केसरी रहा, कौन सा केसरी होता है वो? हरवीर भाई यही ना ऐसा विश्वास आने का ना, दुनिया के कितने पैक रहते हैं पेट पे? 6 रहते, 8 रहते ज्यादा से ज्यादा, 28 पैक है इसके पेट पे। हरवीर एक दफा दिखला दो इन्हें, इनका बैग निकाल दे भैया। दिखला दे भैया, दिखला दे एक दफा। भाई काल दे पूरा ही काल के एक दफा। ये वाला भी, ये ना करते हो तुम ये वाला। अब चाचा जाओ गिन लो, ना से गिनती लगा लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 1 तरफ 28, 1 तरफ 28, 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 28
जाएगा हरबीर को भैया मुझे गौर रखनी पड़ती है। बहुत महंगा तय हो खाया भैया, हवा से बचना। अब हरबीर तू जाए ना। सेवाराम जी देख लिया बहम निकल गया, तुम्हारे पहलवान को तो फूक मार कर लिटा दिया गया। वो हरबीर पहलवान है। हरबीर भाई एक बात बतलाओ, जो तुम दिन में मेहनत करते हो, दिन में कितना पसीना बहा देते हो? 5 लीटर। आदमी कितना बहा रहा? 1 लीटर। अगला 5 लीटर बहा रहा, और बहाने की जरूरत ना चाचा, पानी इसको छोड़ कर खुद ही कर ला, पसीना खुद ही बह रहा, किस में करूंगा क्या? 5 लीटर दिन का निकाल देता भाई सब पसीना। अब चाचा ऐसा देखो, 1 लीटर का कितने रुपए दिए इन्होंने आदमी? 300। अरे यहाँ 5 लीटर बहा देता है पसीने को, तब उसको गुना भाग करो क्या होएगा? 300 × 5 लीटर 1700 रुपए दो। और भैया अपने पहलवान का काम तमाम करवाओ मेरे हरबीर पहलवान से। हरबीर पहलवान से 1700। रुक जाओ मैं काटूंगा थारा चेक अभी, रुक जाओ मैं काटूंगा थारा चेक।